देखो बच्चों, ये एक मॉडल है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के दोनों शब्द विलोम दिए हुए हैं। तो एक एक करके बच्चों से पूछेंगे हम। बताओ भाई, ये लिखा है आकाश, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तुम बताओ। पाताल। देखो आकाश लिखा हुआ है, ये आकाश का शब्द विलोम क्या होगा? पाताल। अच्छा, फिर देखो ये लिखा सम्मान, सम्मान का शब्द विलोम क्या होगा? देखो अपमान। क्या होगा? अपमान। अच्छा, फिर लिखा है ये लाभ, क्या लिखा? लाभ का शब्द विलोम क्या होगा? हानि। ये लिखा है क्रोध, क्रोध का देखो विलोम शब्द क्या होगा? क्षमा। क्रोध का क्या होगा? क्षमा। फिर देखो ये लिखा है साक्षर, साक्षर का होगा देखो क्या आ रहा है जादू से निकल के? निरक्षर। क्या होता है? ये लिखा है ज्ञान, ज्ञान का विलोम शब्द होगा अज्ञान। देखो ये आ गया जादू। फिर देखो नास्तिक, नास्तिक का विलोम शब्द होगा आस्तिक। नास्तिक मतलब वो होता है जो भगवान को नहीं मानता है, और आस्तिक होता है जो भगवान को मानता है। फिर देखो ये लिखा है एकता, क्या लिखा है? एकता का देखिए अनेकता। ये लिखा है सत्य, सत्य का उल्टा क्या होगा विलोम? असत्य। देखो लिखा है, ये लिखा है लाभ, लाभ का क्या होगा? हानि। ये लिखा उत्थान, बहुत आता है ये, उत्थान का होगा पतन। क्या होगा? ये लिखा सुख, सुख का होगा दुख। देखो लिखा है दुख। फिर लिखा ये जीवन, जीवन का होगा मरण या मृत्यु। क्या होगा? मृत्यु। अच्छा, और हिंदी का कौन रह गया? कठिन। ये क्या लिखा है? कठिन का उल्टा होगा सरल। ये तो हो गए हिंदी के। ये लिखा है कायर, कायर का होगा निडर। कायर मतलब डरपोक, और निडर मानी ना डरने वाला। ये लिखा है क्रय, क्रय मानी खरीदना, ये है विक्रय, ये बेचना, क्रय मानी खरीदना। फिर लिखा है मित्र, मित्र का होगा शत्रु, दुश्मन, दुश्मन भी लिख सकते हो। ये तो हो गए तुम्हारे हिंदी के। आप देखो अंग्रेजी के, अंग्रेजी के बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा है ये हेयर, हेयर मानी यहाँ। क्या लिखा है ये? हेयर का होगा देयर। क्या होगा? देयर। ये लिखा है नियर, नियर का एंटोनिम या विलोम होगा फार, दूर। फिर लिखा है हॉट, हॉट का होगा कोल्ड। ये लिखा है कोल्ड। फिर गुड, गुड का होगा बैड। फिर लिखा है डे, डे का होगा नाइट। फिर लिखा है लाफ, लाभ का होगा किराई। फिर लिखा है ड्राई, ड्राई मानी सूखा। बैट, बैट मानी गीला। फिर लिखा है बाई, बाई मानी खरीदना, सेल मानी बेचना। फिर लिखा है फाल, फाल मानी गिरना, फाल का राइज, देखो आर आई एस, राइज मानी उठना। फिर लिखा है तुम्हारा बॉय, बॉय मानी लड़का, इसका उल्टा होगा गर्ल। फिर देखो ये कम, कम मानी आना, अब गो मानी जाना। फिर लिखा है बिगेन, बिगेन मानी शुरू, और एंड, एंड मानी लास्ट, आखिरी। फिर लिखा है फर्स्ट, फर्स्ट का होगा लास्ट, और बिगिन का होगा एंड, एंड मानी अंत होता है, और लास्ट का मतलब आखिरी होता है, फर्स्ट मानी पहला होता है। इस तरीके से ये मॉडल चलता है। सबको समझ में आ गया? Yes, एक रह गया, गुण का क्या होता है? दोष। गुण का क्या होता है? दोष। थैंक यू वेरी मच।